समझ ही नहीं आ रही सर कैसे बैठे कंसील्ड है ना उसके वो प्राइवेसी चेक करें हमने ये भी प्राइवेट कर चुनौती दे रही है गाड़ी चेतावनी दे रही है चुनौती नहीं होती चुनौती तो कहते हैं वोट को वोटिंग चलिए चुनाव चल रहा है चुनाव होता है चुनाव हो गया चुनौती कहते चेतावनी होती है धमकी चेतावनी दे दी मैंने उसको इंडिया से कोई फैंस है हमारे तो बताएं कि क्या चेतावनी होती है चेतावनी इज लाइक धमकी आज आप लाहौर हमें दिखा रहे हैं आज हम जरा देखते हैं ना कि पोलिंग स्टेशन पे क्या गहमा गहमी चल रही है ईद का माहौल है खाली खाली है नहीं नहीं हमारे तो बड़ा मैं अभी अम्मी को लेके गया था बड़ा रश था वहाँ पे अच्छा इसमें एयर भी है ये तो होता ही है ना गाड़ी को ड्राइवर न्यूट्रल तो करना ही होता है नहीं लेकिन मैंने सुना था कि इसमें कोई 3 स्पीड और इस तरह भी है कोई चक्कर मोटर होती है बेसिकली वो उसके मोड चेंज करती है ना असल में तो उस लिहाज से जो पेट्रोल गाड़ी में गियर होते हैं वो वाले गियर नहीं है ना तो अब आप एक रिव्यू देना कि आप बैठे पहले थोड़ी कंजेस्टेड लग रही है आपको यहाँ से मुझे थोड़ी सी ईट्रॉन जीटी से थोड़ी कंजेस्टेड लगती है ये जो जगह है ना थोड़ी यहाँ से डिजाइन उसका जरा उस तरह का ना स्पोर्टी है जरा कंजेस्टेड तो नहीं लग रही सही है मतलब मुझे जो है ना वो प्रीमियम फील नहीं है जैसे उसमें है ना ईट्रॉन में वो वाली उस तरह की फील लाइक अ स्पोर्ट्स कार कॉकपिट लगता है मुझे मतलब जैसे टेस्ला है ना जो जरा सिंपल रखी हुई है उस तरह ये भी सिंपल है थोड़ी एक और मैंने की थी मार्क वो जो मस्टैंग की है मार्की वो भी इसी तरह सिंपल है मस्टैंग की गंदी बातें कर रहे हैं आप सुबह इलेक्शन टेल्स आज का टाइटल मिल गया मुझे इलेक्शन टेल्स है देखते हैं क्या गहमा गहमी चल रही है सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है माशाल्लाह सड़क के सेंटर में चल रहे हैं भाई कोलिजन वार्निंग आ गई गाड़ी के अंदर एकदम सामने से उसने सेंस कर लिया नहीं ब्रेक नहीं लेकिन वार्निंग आई थी पहले ये एसी वाले कंट्रोल है जैसे ईट्रॉन यहाँ पे एसी के कंट्रोल है यहाँ से इसका एंड्रॉयड ऑटो है ऑटो मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया तो एंड्रॉयड ऑटो भी लग गया वायर्ड है इसका मतलब इलेक्ट्रिक सीट मेरी तो है ही है आपकी भी है मेरा ख्याल है हाइट कंट्रोल का कंट्रोल इधर है ट्रैक्शन कंट्रोल का भी इधर है इधर इसके शॉक्स के जो वो भी फंक्शंस हैं सॉफ्ट हार्ड के अच्छा अभी हार्ड ही है वैसे पोर्शे की इनहेरेंटली काफी जरा स्टिफ सी होती है स्टिफ उस लिहाज से कहते हैं अभी कैसे जमीन पे बैठी सी होती है और उसकी जो फील है ना वो मतलब उसकी जो ग्रिप है वो बहुत आला होती है तो उस लिहाज से वो बेहतर रहती है अच्छा जी और ब्लैक रूफ लाइनर है इट्स अ 4S टाइकन टाइकन की बेसिकली वही मोटर होती है जो कि आपकी ईट्रॉन जीटी में आती है तो जिस तरह EQS और i7 जो है ना BMW और उसके अंदर मोटर एक है इसके और जो है ईट्रॉन जीटी के अंदर सेम इलेक्ट्रिक मोटर आती है अभी इसके अंदर 151 माइल्स की रेंज है जिस दिन ये आई थी उस दिन 200 माइल्स ही अभी तक मैंने चार्ज नहीं की चार्जर पे लगा miles, like, मतलब यार 100 माइल हो गया 160 और 50 हो गया तकरीबन 180 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर की रेंज अभी भी है टोटल इसकी रेंज है 400 किलोमीटर के करीब और ये चार्ज जो है ये घर पे कितनी देर पे होता घर में आपके डिपेंड करता है आपका चार्जर कौन सी स्पीड का लगा हुआ है जो इसके साथ चार्जर आया था वो तो अभी तक इंस्टॉल नहीं कराया वो पड़ा हुआ ही है लेकिन दूसरा पहले मेरे पास एक इंस्टॉल हुआ हुआ है वो करता है 8 kWh के लिहाज से अच्छा तो वो मेरा ख्याल है इट विल टेक एटलीस्ट 8 to 10 hours टू चार्ज दिस अगर बिल्कुल जीरो ही हो और जो वहाँ कमर्शियल चार्जर होता है कमर्शियल चार्जर पर ये गाड़ी करेगी 0 to 80 जो है विद इन 40 मिनट्स 80% ही हमेशा जो आपको जिसे कहते हैं ना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो आपको हमेशा 0 to 80 बताएंगे कि कितना होता है शहर बड़ा आज मजेदार लग रहा है आज छुट्टी है ना तो सड़क पर रश जो है कम है गहमा गहमी तो कहीं भी नहीं है मैं सुबह सुबह निकला था आपने जब मुझे मैसेज करके पूछा कि वोट दे आए मैंने कहा इतनी जल्दी जाना होता है इसका मतलब चले जाते हैं सो आई वेंट अराउंड 9:30 पे आपने मुझे मैसेज किया मैं 10 बजे वोट डाल के आया था ये देखें ये और ये दो निशानी है एक उन्होंने उस पर लगवाया था ये वोट की वो थी और ये कितनी देर में उतर तो नहीं जाता उतर जाएगा तो सुबह से बहुत हार्ड था अभी उतर जाएगा बस ठीक है लगा लिया इसमें क्या नहीं लेकिन इस प्रोसीजर अच्छा था मैं ये देख रहा था कि अक्सर लोगों को जिन्होंने नहीं किया था वोट मैं बता दूं तो मैं 8300 पे वो करके गया था मैसेज तो उसमें आपका सिलसिला नंबर फैमिली नंबर जो डिटेल सारी चाहिए होती है वहाँ जाके वो थी वरना आप अगर जाएंगे पोलिंग बूथ के बाहर ना डिफरेंट पार्टियों ने भी लगाए होते हैं वो भी आपको फैसिलिटेट कर देते हैं मैं इसलिए नहीं गया किसी की पार्टी के उस पर कि वहाँ पे फिर लोग तस्वीरें खींच देते हैं कि ये इसको वोट दे रहा है ये इसको वोट दे रहा है आई डिडंट वांट दैट मैं अपना वोट प्राइवेट रखना चाहता था मैं अंदर गया सीधा उन्होंने मोबाइल भी बल्कि ले जाने दिया मुझे आपस की बात है उन्होंने कहा कि लेके जाने से आप ले जाएं खुद ही जेब में उसका जेब में रख लें मैं ले गया खैर मैंने मोबाइल से कुछ करना नहीं था मैंने सिर्फ जाके अंदर उसको वो दिखाया कि मेरा मोबाइल से उनको क्या मसला होता है वीडियो ना बना ले हाँ यही हो सकता है और तो बना सिग्नल नहीं आ रहा और बंदा को क्या कर सकता है बट होता है ना पुराने जमानों में कि जी मैंने बिरयानी लेके वोट दे दिया है तो मैं आपको आगे सबूत भी दूं मैं किसको वोट दे के तो उस चक्कर में शायद हो खैर मैं गया मैंने वोट अपना जो है वो उनको जाके बताया आईडी कार्ड दिया उन्होंने मुझे वोटिंग का दिया पहले अंगूठे लगवाए दो जगह के यही आपका ये सूबाई का ये कौमी का दे के वहाँ पे पीछे आया मोहर लगाई फिर जब मैं बंद करने लगा तो मैंने कहा ये तो चिपक जाएगा उसके दोनों साइड मैंने जिसको दिया तो किसी और को लग जाएगा फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर उसको सुखाया
बंद किया, डाला, वापस आ गया। टोटल मेरा ख्याल है मुझे 15 मिनट लगे थे अंदर। फिर अभी वालदा को और बच्चों को लेके गया था, इनकी बारी ज़रा रश बढ़ गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस समय मैंने वो डाला। टायर प्रेशर मॉनिटर का वो साइन आ रहा है, मैंने इसके टायर चेंज किए थे। जब इसके टायर आए थे तो मेरा ख्याल है लोगों ने तस्वीरें देख के ना, लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट जो किया था वो टायरों पे किया था। बट अब एक मसला ये है कि टायर तो डालनी है 21 इंच के, लेकिन इसके लिए सड़क के ऊपर ना यूँ रहना पड़ता है, बिकॉज अगर छोटा सा भी कोई खड्डा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पे पता नहीं सड़क के सेंटर में गटर क्यों बनाए होते हैं। टायर आपने बड़े डाले हैं? 21 इंच के डल गए, पहले 19 थे। अच्छा, तो वो अब कोई भी खड्डा या वो सड़क के कोने पर वो निकले होते ना ये गटर लगाए होते हैं, वो उस पर अगर लग गया तो उधर उसी टाइम फ्लैट होगा, वेट नहीं करेगा। ये था तो मैं इसलिए बड़ा कॉशियस होकर चला। तो फायदा क्या है इसका? यार इसका फायदा है कि गाड़ी खूबसूरत ज़्यादा लगती है। ये उसके जो GTS आती है उसमें उसके व्हील्स हैं तो खूबसूरती ज़्यादा है, डिज़ाइन अच्छा है, ग्रिप थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। पहले 19 में भी अच्छा था लेकिन और बड़ा साइज डल गया। और तो ये लाहौर खाली खाली फिर आप गहमा गहमी दिखाना चाहिए। ये मेन रोड अड्डा में भी आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे वोटिंग के लिए ज़्यादातर इन्होंने किया ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना उधर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि हमें उस पर कोई मॉडर्नाइजेशन लानी चाहिए। मुझे लगता है बाकी दुनिया की हर चीज़ हम डिजिटल पे ले गए हैं, वो ही पुराने ज़माने का वो भाई जी स्पीड से पेपर काट रहे थे या निकाल रहे थे ना। मैं तो उस टाइम पे जब अकेला था, लेकिन जहाँ पे अगर वाकई ज़्यादा लोग आ जाएं तो अजीब सी वो सूरत हाल है। वो लिखी जा रहे हैं, मैनुअल लिख रहे हैं, फिर सिलसिला नंबर बताओ, और वो फोल्ड भी उसको वर्टिकली करना है, अगर हॉरिजॉन्टली कर लिया तो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा वोट। वो आपको नहीं पता आपने कैसे हॉरिजॉन्टली किया या वर्टिकली किया? ऐसे वर्टिकली होता है, सही किया नहीं, लेकिन ये बताया किसने था? ये आप देखिए ना इंस्टाग्राम पे और हर जगह, और हर साल बताते हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो उनको तो खुद नहीं कुछ पता था जो बैठे हुए थे बेचारे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओए पाक व्हील्स की ब्रांडिंग खूबसूरत, ये देखिए मैं जो कह रहा हूँ मोटरसाइकिल बैठे उससे भी पूछेंगे ना लिखा मोटरसाइकिल पाक व्हील्स हो रही है, उन्हें थले ला लेना कि गाड़ी का नंबर कहते थे। आपने गेमा गेमी दिखानी थी, गेमा गेमी की तरफ जा रहा हूँ मैं, आपको लेके जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। और वैसे वैसे मैं वालदा को जहाँ लिखा था वहाँ के वाकई गेमा गेमी की सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे देख के खुशी हुई, एक गाड़ी आई उसमें से एक अंकल एक आंटी दोनों व्हील चेयर पे थे। अच्छा, उनका बेटा उनको लेके आया साथ, उसकी बेगम थी, बच्चे थे। इट इज़ वेरी गुड कि आप वोट दें यार। आप घर में बैठ कर कुड़ते रहते हैं, इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर बनते रहते हैं कि मैंने ये करना है मैंने वो करना, तो भाई जाके निकल के वोट तो दो ना एटलीस्ट। लोग कहते हैं जी हमने जिसको देना है निकलना है, भाई चलो अगर देना भी है तो अगलों का काम तो मुश्किल करो अगर। हाँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैंने बिल्कुल आराम से प्यार, ये इसके में कोई है लुडोक्रेस मोड या फिर टेस्ला के अंदर वो स्पोर्ट्स मोड वगैरह है टेस्ला के, तो वो खासतौर पर लुडोक्रेस और इस तरह के मोड टेस्ला में होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स मोड है। और इसका जीरो मोड पे अभी तो नॉर्मल पे हम जस्ट लाइक ये देखे नॉर्मल लिखा है, इट्स नॉर्मल अभी नॉर्मल पे है। ये देखे ना जो खड्डे हैं ना इस तरह के, ये हमारे टायर के लिए किलर साबित हो सकते हैं। ऐसा हो ना शहर, क्या मजा आए गाड़ी लाने का। हाँ, मतलब बंदा फिर ये बनती भी है गाड़ियाँ रखना आज के दिन, इसलिए निकाली जिस दिन से आई है उस दिन से एक दिन निकाली थी खाली, उसके बाद कहाँ निकालेंगे आप। वीकेंड कार इसलिए बोलते हैं ना सारी गाड़ियों को, एवरीडे आप कहाँ चलाएंगे रश। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस कर ली हुई है, मतलब चलाई है या रिव्यू की है जो भी EQS है, मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा ये टाइकन है पोर्शे की, इसके अलावा BMW की भी है, वो आई सीरीज है और टेस्ला है, तो सारी चलाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी कौन सी लगी है? यार हर किसी की एक अपनी फील है। देखो मर्सिडीज जो है ना वो मुझे थोड़ा लगता है कि मतलब मेरे से 10-15 साल बड़े उम्र का बंदा चला रहा हो ना अगर तो ठीक है, मेरे लिए थोड़ी मुझे लगता है कि वो थोड़ी आप समझ रहे बॉय टाइप नहीं है। सर बाकी आपने सारी मर्सिडीज कलेक्शन रखी नहीं, वो तो पुराने जमाने की है। मैं अभी EQS वगैरह इलेक्ट्रिक गाड़ी में बात करूँ, फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों में ना, तो जो EQS है ना उसकी शेप बड़ी डिफरेंट ऑफ सी लगती है एज अपोज टू एन एस क्लास। अच्छा, अगर आप i7 की बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन i7 है और BM7 सीरीज है वो दोनों सेम है। ये देखें गेमा गेमी देखें सर, ये होती है इलेक्ट्रिक। अगर आपने बिरयानी खानी तो आज आपको बिरयानी भी मिलेगी यहाँ पे, देखिए यहाँ भी मिलेगी। तो कराची में बिरयानी नहीं होती यहाँ पे, आज वो भी मिल रही है। ये मेरा यहाँ पे मैंने वोट डाला सर, गवर्नमेंट नजफ हाई स्कूल, अभी रश नहीं है। तो जो एस क्लास है ना उसकी शक्ल थोड़ी बड़ी ऑफ है EQS की, एज अपोज टू दैट 7 की जो i7 है बहुत खूबसूरत है, बट महंगी बहुत है, है बहुत खूबसूरत। उसका जो स्काई लाउंज और पीछे की इंटरटेनमेंट वो, और उसकी जो आपको पता है वो रोज रोज के चेसी में बनी हुई गाड़ी, तो वो जब खड़ी होती है ना सामने इट्स वेरी ह्यूज। ये तो उसके सामने बेचानी नमानी सी बच्ची सी गाड़ी है, और ये जरा मेरे टाइप बॉय टाइप गाड़ी। टाइकन इज ऑल्सो क्लोज टू पैनामेरा, मतलब अगर आपको कोई ना बताए कि ये इलेक्ट्रिक है तो आपको ये नहीं लगेगा इसमें कोई मसला आया कोई। EQS के अंदर कुछ स्पेशल कोई ऐसा है कि वो अजीब सी लगती है, वो उससे कम पैसों में उससे तेज मशीन पोर्शा विद अ 4-सीटर। यार ये 4S है, ये स्टार्ट होती है 4.5-4.75 से,
और इसमें फिर आगे टर्बो आती है, फिर वो आती है GTS आती है। टर्बो क्या है ये? इसके अंदर भी टर्बो आती है, मजे की बात है। हालांकि उसमें टर्बो लगा नहीं था, वो नाम का टर्बो है, बट उसकी मोटर जो है डुअल मोटर होती है, उसकी स्पीड बेहतर होती है। फिर इसमें GTS भी आती है, उसमें ट्रिम फर्क होते हैं। वैसे ये पोर्शा के लिए बड़ा लीप है, ये एप्पल की तरह है। मैं देख रहा था पोर्शा की, अगर आप पुरानी भी एक मैं नीड फॉर स्पीड गेम खेलता था, पोर्शा अनलीस्ड होती थी उसके अंदर, तो उसके अंदर आप वो देखें पुरानी 60s से लेके अभी तक इतना कोई मेजर चेंज नहीं आया, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। और मैं ये बताऊं इनकी गाड़ियां कमाल होती है, मैंने पुरानी पुरानी भी रखी है। मेरे पास 2001 की जो थी ना बॉक्सर होती थी, अभी आपके पास कयान भी थी ना एक? हाँ जी कयान थी। तो वो किधर गई? बेच दी। इधर क्या हो गया, पुलिस वालों ने क्यों रोक लिया? आज मैं देखता कि आज चौथा इलेक्शन है जिसमें मैंने वोट डाला, मैं काफी पुराना हो गया यार। सर मुझे हो गए हैं 1, 2, 3, मेरे भी 2008 से मैं 18 साल को। तो उससे पहले तो हमारे मुल्क में मार्शाला था, मैं क्या करूं, मेरी गलती है। मेरी जिंदगी में 2 मार्शाला हैं, 11 साल के लिए जावलक साहब रहे हैं, अच्छा 8 साल के लिए मुशर्रफ साहब, तो मेरे 18 साल मतलब 3 इलेक्शन तो वही खा गए। नहीं बीच में वो रेफरेंडम और वो जो काफ लीग वाले इलेक्शन हुए थे तो होते तो थे 2003 वो इलेक्शन नहीं होते थे, वो सिलेक्शन होते थे, उनमें नहीं। मैंने 99 में नहीं थे आप 18 साल के? यार आप मेरी एज रिवील करना चाह रहे हैं? नहीं था मैं 18 साल का, 99 97 में जब इलेक्शन हुए था मेरा वोट नहीं बना था, मैं 18 साल का नहीं था। 97 में तो वही मैं कह रहा हूँ, 97 में इलेक्शन, गूगल इट अप, यू विल फाइंड माय एज। सर वो हमने जान के पैसे देके विकिपीडिया से निकिपीडिया किया हुआ। अच्छा मैं देखता कि जितने लोगों ने इलेक्शन में मार्केटिंग की है, इन सबको ना कोई अच्छा मार्केटर हायर करने की जरूरत है। किसी एक बंदे ने, मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी एक बंदे ने मंशूरी नहीं लिखा कि मैं क्या करूंगा, मैं क्यों वोट मांग रहा हूँ, मैं आके क्या करूंगा। अपनी तस्वीर यूं लगाई हुई किसी ने यूं लगाई हुई है, और 5 कजन है और 7 उनके जो लीडर हैं, मतलब लीडर है या फीडर है। पॉइंट ये कि भाई आप हमें ये बताएं कि आप करेंगे क्या, आपने अगर पहले आए थे तो क्या किया था, आपके मतलब आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, मिस कॉल, ये पार्किंग सेंसर है, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी एज अपोज टू व्हाट यू हैड कमिटेड, और अगर आप पहली बार ही आ रहे हैं तो अब आपके प्रोमिसेस क्या हैं, आप क्या हमसे क्लेम कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा और फिर आएगा। तो वैसे भी इलेक्शन काफी ठंडे हैं एज कम्पेयर टू पहले जो होते थे। यार ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ठंडे हैं ठंडे, हर इलेक्शन मैंने ये सोचा है जी टर्न आउट पहले से बेहतर होता जा रहा है। आज अच्छा। मैं बता रहा हूँ बच्चे जा रहे हैं, मेरी बहन उसके बच्चे कराची से लांबा से ऑल द वे ड्राइव करके आए, और सुबह जब मैं उठा तो मेरे से पहले वोट देने जा रहे थे। मेरी वालदा गई है, मेरे घर से भाभी बच्चे सब गए। अच्छा, इसके इसके रिम टायर चले, गैस करने कितने गए होंगे? 12 लाख के, थोड़ा सा कम कर लें 10 लाख। और टायर कितने गए सिर्फ? यार एक टायर जो था ना वो 108, अगले वाले पतले हैं पिछले चौड़े हैं, स्टैगर्ड होते हैं ना, तो अगले वाला जो है 180 का एक है, पीछे वाला 240 का एक है। 240 into 2 कितना हो गया? 480 प्लस 360 वो 8,40,000। रिम के लगा ले 4 लाख रुपए, 12,40 2,40 में अपने एडजस्ट करके 10 लाख रुपए। नहीं 2,40 में गए सिर्फ, तो वो पुराने थे ना। इस पे ड्यूटी कितनी पड़ती है? यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो ड्यूटी है ना वो इनकी जो आप बोलते हैं MSRP होती है, इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस उसको बोलते हैं, जो सेस वैल्यू समझ लें MSRP बोल लें, उसका एग्जैक्टली 68% के करीब पड़ेगी। अच्छा जब ये 0 मीटर लॉन्च हुई थी वो प्राइस उठेगी। अच्छा वो MSRP है, उसके बाद आपको जितने महीने पुरानी है 1% पर मंथ डिप्रिसिएशन मिलेगी वैल्यूएशन पे, और फिर ड्यूटी के लेट होगी। तो मैंने आपको झटका फार्मूला बता दिया कि अराउंड 66% के करीब जो है ना वो उसकी एक्युमुलेटिव ड्यूटी बनती है इलेक्ट्रिक गाड़ी के। और यही अगर वो होती गैसोलीन होती तो 440 के करीब पड़ती, 440% के करीब। तो इसमें ये आपको इलेक्ट्रिक, ये देखे इलेक्शन की गहमा गहमी देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये पोलिंग एजेंट्स बनाए होते हैं उन्होंने डिफरेंट पार्टियों ने, अपने आप जाके बोलेंगे यार मेरा ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करेंगे आपको, आपका खानदान नंबर सिलसा नंबर बताएंगे। आगे बंद किए हुए भाई, सेंसिटिव चेक करें आप पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं ब्रो। ये सड़क हमारे मुल्क में सदका जारी समझ के ब्लॉक करते हैं। पुराने जमाने में खैर आपने शायद देखा नहीं, मोहल्ले में शादी होती तब बंद कर देते थे। मैं तो बड़ा पुराना हूँ, ये देखे ना बंद की हुई सड़क ही बंद की हुई, और ये गवर्नमेंट ने की होगी, ये पोलिंग स्टेशन है। नहीं पुलिस स्टेशन नहीं है भाई, पोलिंग स्टेशन है। नहीं अब टर्न आउट बाकी अच्छे है और बेहतर है, सारे पढ़ी लिखी फैमिलीज भी लग रही है, और मतलब यार एवरीबॉडी देखिए हमारा 60% ज्यादा यूथ है ना, बच्चे हैं जिन्होंने जिनको शौक है कि हमने जिसको भी वोट देना, मैं नहीं कह रहा किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, अच्छी बात है हर बंदे की अपनी चॉइस है। और मैं कह रहा हूं दूसरे दिन के साथ सारी फैमिलीज निकली हुई है, मतलब कि हाँ, मैं पहले तो सिर्फ बंदे ही नजर आते थे, आंटियां खड़ी हैं, फैमिलीज खड़ी हैं, मैंने आपको बताया बुजुर्ग आ रहे हैं, हमारे घर से कितने लोग मैंने आपको बुला दिया, हमारे घर से कितने लोग वोट दे के आए, 5, 4, 9, 11 लोग। ये शाम को फिर इधर पता लगेगा कि जी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भी शुरू हो जाएगी ना अभी तो। अच्छा मोबाइल के सिग्नल पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में फौरन ही चले जाते हैं,
मोबाइल के सिग्नल भी गए हुए, इंटरनेट भी नहीं है, खाली है। मैं सुबह, अच्छा मोबाइल क्यों गए वैसे, इंटरनेट नहीं है, समझ आते हैं मोबाइल से तो। अब वो मजे की बात ये है, वहाँ पे अंदर कह रहे हैं कि जी वो जो वोट आपने चेक करना है वो 8300 पे नंबर भेजना है, ठीक है। जब मैं अंदर जाने कहता मोबाइल अंदर लेके नहीं जा सकते, मैं कहता हूँ भाई मैं अंदर जाके बताऊंगा कैसे, वो बाहर जाए जो कैंप लगे हुए, मैंने कहा भाई वो तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का किसी दूसरी का, मैं वहाँ जाके क्यों पूछूं, वो अपनी तस्वीरें खींच के लगा के कि सानू वोट देने आया साडा बंदा, मैं क्यों करूँ भाई, कि जो डिस्प्ले का फर्क इतना, चार्जिंग इसकी आ रही है, गाड़ी का बता रही ना अभी क्या चार्जिंग है, स्टेट कितनी में चार्जिंग स्टेट, ये सेटिंग है इसके अंदर, एयर कंडीशन, ये वो सब। एयर कंडीशन यहाँ से भी होता है वहाँ से भी होता है, यहाँ से ऑटो पे चलता है और यहाँ पे ये रहा एयर कंडीशन की सेटिंग, ये रही एयर कंडीशन। आपने अभी तक लगता है वक्त नहीं गुजारा गाड़ी के साथ ही, मैं तो आपको बता रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए और कितना बताऊँ, मैंने वक्त गुजारा इतना नहीं गुजारा, काम से आप लोग छोड़ेंगे तो काम करूँगा ना कुछ जिंदगी में, डिफ्यूज्ड है, इंडिविजुअल है, फोकस्ड है, सारी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ठीक है जी। एंड्रॉइड ऑटो लगा हुआ है, वो किधर है, अच्छा ये वेंट है, वेंट को हाथ से नहीं चेंज कर सकते। अच्छा हाँ भाई ऑटो है, जहाँ से जो चेंज करना है वो करना है, हाथ से नहीं हो सकता, इस वेंट को भी हाथ से नहीं करेंगे, यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे, ये फोकस्ड इंडिविजुअल ये वो है ना, हाँ जी, ये मैनुअल नहीं जाता ऑटो जाता, ये इंपॉर्टेंट बात है इस गाड़ी की, यू कैन नॉट चेंज इट मैनुअली ब्रो। अच्छा ये मैं अपनी साइड पे करूं जी, मैं बता रहा हूं, मैंने एसी चलाता नहीं, आप एसी ला रहे हैं गाड़ी के साथ, हवा यहां से आ रही है इधर से, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, अभी फोकस्ड है ना हवा, फोकस लिखी आ रही है, देखेंगे लिखा हुआ कहां को जा रही है, डिफ्यूज डिफ्यूज कर दें, तेज हो गया। अच्छा ये साथ साथ वो भी आ रहा है, जैसे अब यहां से स्पीड तेज होगी ना, हां एनिमेशन आ रही है, ये ऊपर को हवा है या नीचे को हवा है, जस्ट लाइक अबाउ ब्रो, ट्रैजेक्टरी भी दिखा रही है, इसका रियर कैमरा किधर आ रहा है, कैमरा नहीं है इसमें, स्मार्ट लिफ्ट की ऑप्शन भी थी, खुद ही गाड़ी जो है ना लिफ्ट हो जाएगी, कैमरा कैमरे वाली काम खराब है, वाला काम खराब है, सही कह रहे हैं, इसके साथ आपको 360 नहीं मिल रहा, आपको बंदा लेना पड़ता है। अच्छा जी अभी इसके टू डू में जो शामिल है वो बताए थे, इसके टू डू में ये जो क्रोम है ना, ये जो क्रोम है इसको ब्लैक करना है, वो 3M की टेप मैंने मंगाई थी, वो आ गई भी है, अब लगाने वाला आएगा, ये पड़ी है टेप अंदर 3M, पीछे जरा लेग स्पेस तो चेक करें क्या सीन है, मैं जरा वो 3M टेप निकाल लूं, ये रैप कराई थी आपने क्या गाड़ी, अच्छा नहीं गाड़ी ओरिजिनल है, इस पे ये लगाने के लिए 3M का विनाइल आता है, ये 3M से मैंने मंगाया था, वो आ गया, वो बंदा लगाने आएगा सारा, आप पीछे वाली स्पेस आप बैठ के देखें, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कंजेस्टेड इतनी भी नहीं है, तो मैं नहीं पुराऊंगा मेरे यार, ब्यूटीफुल, इसमें पूरे आ जाएंगे, हां इसमें पूरे आ जाएंगे, इसमें आप चेक करें ना, मैं तो कर चुका हूं पहले वीडियो में, लेट के रूम विद व्यू भी लिया था याद नहीं, ऑटो बूट है जी, इसके मोनोग्राम बड़े मजे के, देखें ये जलते हैं, एक तो फिजिकल है ना, ये जलते भी हैं, अच्छा ये रिम 305/30R21 और ये ब्रेक कैलिपर जो है ये आपने ओरिजिनल है, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेड नहीं किया, वैसे करने में भी कोई बुराई नहीं, अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल डिफरेंट गाड़ियों पे, सर बैठे तो सही, मैं बैठूं, आपने फुल तो पीछे की भी है, ओ अच्छा इसकी वो अंडर थाई स्पोर्ट ठीक है, हाँ अंडर थाई स्पोर्ट ठीक है, ठीक बैठा हूँ, हेडरूम भी ठीक है, हेडरूम भी ठीक है, आर्मरेस्ट, ओ यार जस्ट लाइक वाओ, ये देखें, बट आपने फुल पीछे की थी तो थोड़ा कंप्रोमाइज है, ऑब्वियसली थोड़ा सा आई करेंगे ठीक जाएगी, उतनी जगह नहीं है जितनी मर्सिडीज एस क्लास वगैरह में होती है, थोड़ी कंजेस्टेड है, ये गाड़ी है बहुत प्यारी, वो तो प्यारी है, अब ये मैं जो फंस गया हूँ बस आपको अब एक और चीज की जरूरत है, सही है जी की, वो जी चेक करें सर, ये, जी देखें, ये चार्जर जी क्लास तो दिखानी थी, ये रही जी सर, तो ये आप बता रहे थे कि इसकी शैसी जो है ये 83 मॉडल की गाड़ी है और आज तक जितनी जी आई है सब सेम है, कोई उनका जो वो चेंज नहीं हुआ, जनरेशन चेंज नहीं हुई उसमें, सो उस लिहाज से आप इसको फेसलिफ्ट भी कर सकते हैं, इसकी किट शीट आती है, इट्स अ डीजल इंजन इनलाइन 5 है, 290G का यहाँ वो लिखा हुआ, 290D वो देखें GD लिखा हुआ, 290GD ये आपको कहाँ से मिली, और ये हमारे दोस्त थे जायद भाई उनसे लिए, और इसका कलर चेक करें, ये था, इसको भी रैप किया, वैसे आर्मी ये कलर है, आर्मी के पास होती है पाकिस्तान जी वैगन, नहीं इसका उस तरह से खुला है, इसकी लॉक की आवाज़ वही है वो जो 15 करोड़ वाली उमर साहब की जी वैगन पे गुड्डू ने मजाक किया था, वो जो जोर से जी वैगन पे हुई वो मारे हैं तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आवाज है, हाय 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 जस्ट, अरे ये बुलान वाली बात है, ओ यार खुदा खौफ है, इसके ओरिजिनल बर्बरी डिजाइन सीटें चेक करें, आप क्या कर रहे हैं आप, बुलान वाली आपने आवाज कह दी, आपकी सेकंड हमर किधर गई, सेकंड हमर जो है वो वर्कशॉप खड़ी, उसका काम हो रहा है, फर्स्ट हमर भी आई तो है, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार, आज ये फर्स्ट वाली भी धोई है, चेक करें चमक रही है कि नहीं, आपके आने से पहले 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां धोई है मैंने, और अभी आप भी धोएंगे गाड़ी मेरे साथ, ठीक है नाश्ता भी आ रहा है, करते हैं बैठते हैं,
फूड ऑन व्हील्स एंजॉय करते हैं। बात नहीं आते हैं, वो फूड ऑन व्हील वाले ना मेरी गिट्टी में डोल देनी उसने।